हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एकेडमी। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल कन्वर्टर। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जो फोर डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके हेल्प से जो भी एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। जो भी एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय सेल्फ मनीष सिंह, 7 times GATE qualified, 11 years of teaching experience, and the subject taken digital analog control signal network. Right? Use this code Manish for getting maximum discount on Plus and Iconic subscription. Right? तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं प्लस पे। लाइव क्लास है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, इंग्लिश हिंदी लेक्चर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच। करेक्ट। और आइकॉनिक पे क्या होगा, पर्सनल गाइडेंस होगा, स्टडी प्लानर है, स्टडी बूस्टर सेशन है, टेस्ट पे पर्सनल एनालिसिस है, स्टडी मटेरियल है और डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से फैकल्टी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यूज दिस कोड। अगर ये कोड यूज करते तो फ्लैट 10% डिस्काउंट होता है और आफ्टर डिस्काउंट ये डिस्काउंटेड प्राइस होता है 12 मंथ 29,025, 18 मंथ 37,124, 24 मंथ 42,000। ठीक है, प्लस क्या होगी आपको बेनिफिट क्या मिलेगा बेटा, कि हमारा गाइडेंस मिलेगा आपको जिस भी ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या 12 हो, 18 हो, 24 हो। आइकॉनिक, आइकॉनिक पे काफी फैसिलिटी है, जैसे हमने आपको बताया, इसके फीचर्स भी बताया, प्लस वाले सारे फीचर्स रहेंगे। आइकॉनिक पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, वो सब मिलना है आपको। अगेन कोड यूज करो तो फॉर 12 मंथ आपका फीस हो जाता है 45,225, 18 मंथ के लिए 58,050, 24 मंथ के लिए 66,000। राइट, चलो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, राइट। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में फर्स्ट मेथड रहेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फोर मेथड है ना, टोटल फोर मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या है अपना काउंटर टाइप, राइट। काउंटर टाइप एडीसी, तो काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट। अब देखो काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होता है, सिंपल सी बात है। यहां पे एक कंपैरेटर होगा, इनपुट साइड में एक कंपैरेटर होगा, यहां पे ये कनेक्ट होगा किससे, कंट्रोल सर्किट से, एंड दिस इज द कंट्रोल सर्किट। काउंटर ये हो जाएगा काउंटर, और ये आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग, दिस इज व्हाट क्लॉक, प्लस वी ए माइनस करेक्ट, डी ए सी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, दिस व्हाट
करेक्ट। चलो देखो यहाँ पे, ये क्या बाइनरी आउटपुट है? क्लॉक पल्स ही राइट, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज जनरेटेड थ्रू फीडबैक करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करता है, देखना ध्यान से। ये अप काउंटर है, तो पूछ करो कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं एनालॉग वोल्टेज, एज्यूम कर लो 6.6 वोल्ट, एज्यूम करने में क्या जा रहा है, इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मान लो बी टू है, बी थ्री है, बी टू है, बी वन है, राइट। तो देखो यहाँ पे बी थ्री है, बी टू है, बी वन है, बी नॉट है, दिस इज वॉट वी डी ए सी, ठीक है। चल अब देखना ध्यान से यहाँ बेटा, यहाँ ध्यान से क्या देखोगे कि इनिशियली कुछ भी नहीं देता है तो यहाँ पे जीरो 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 रहेगा, ठीक है। अब जीरो 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 का मतलब इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा जीरो होगा, रिजोल्यूशन कुछ भी हो बेटा, अगर डेसिमल इक्विवेलेंट जीरो आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चल हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 0.5, रिजोल्यूशन एज्यूम करते हैं कि रिजोल्यूशन इसका क्या हो जाए 0.5 वोल्ट, कितना हो जाए बेटा 0.5 वोल्ट। अब रिजोल्यूशन इसके अगर 0.5 वोल्ट हो जाता है तो क्या होगा, रिजोल्यूशन अगर 0.5 वोल्ट हो जाता है, यहां ये 0 वोल्ट आएगा, देखो VDAC यहां पे 0 वोल्ट आएगा। जब कंपेयर करोगे ना, ये कॉम्पिटेटर है 6.6 है और ये 0 है, यहां पे क्या हो जाएगा 1, 1 का मतलब क्या होगा कि क्लॉक ट्रांसफर होगा यहां पे, देन काउंटर विल इंक्रीमेंट, 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 ठीक है, इंक्रीमेंट कर गया। क्या हो जाएगा 0.5, काउंटर विल इंक्रीमेंट 0.5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे क्या आ जाएगा 0.5, क्योंकि डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या होता है एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, ये जो एनालॉग वोल्टेज आता है क्या होता है, रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा, ठीक है। यहां 0.5 है, फिर कंपेयर करोगे फिर 1, यहां तो 1 आएगा क्योंकि ये VA ग्रेटर देन VDAC है, फिर से इंक्रीमेंट होगा 0.0 1.0 होगा, 2 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, 2 में 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और कहां तक जाता है ये देखते हैं, सपोज करो ये जाते जाते यहां पे 1.1.0.1 यहां तक आया और ये क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, 1.1.0.1 मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट 13, 13 में 0.5 6.5 हो गया, 6.5 हो गया, क्या आ गया, तो 6.5 हो गया राइट, 6.5 हो गया, तो 6.5 हो गया, कंपेयर करेंगे तो फिर से 1 आया, तो फिर से इंक्रीमेंट होगा, ये 14 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 7 हो गया। तो जैसे यहां 7 वोल्ट होगा, जैसे यहां 7 वोल्ट होगा राइट, तो फिर क्या होगा, ये यहां पे 0 आएगा, जब यहां 0 आएगा तो क्लॉक विल नॉट ट्रांसफर टू द काउंटर, देन क्लॉक विल नॉट ट्रांसफर टू द काउंटर, क्लॉक काउंटर पे ट्रांसफर नहीं करेगा, एंड काउंटर विल स्टॉप, देन काउंटर विल स्टॉप, क्लॉक विल नॉट ट्रांसफर टू द काउंटर एंड काउंटर विल स्टॉप, काउंटर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो तो काउंटर हमारा स्टॉप हो जाएगा, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6.6 जो एनालॉग वोल्टेज है, इसका बाइनरी आउटपुट या डिजिटल आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
बोलिए बेटा, इसमें कोई डाउट है जरूर चेक बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसका प्रोसीजर लिखवा देते हैं आपको। ऑपरेशन ऑपरेशन फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सर्किट शोन इन द फिगर, द सर्किट शोन इन फिगर, सर्किट शोन इन फिगर फिगर इज काउंटर टाइप टाइप एडीसी ए टू डी कन्वर्ट, राइट, इन विच काउंटर इज यूज टू काउंट, इन विच काउंटर इज यूज टू काउंट, काउंटर इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, राइट, पल्सेस टू प्रोवाइड बाइनरी आउटपुट, टू प्रोवाइड बाइनरी आउटपुट, टू प्रोवाइड बाइनरी आउटपुट, टू प्रोवाइड बाइनरी आउटपुट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन दिस कॉम्पिटर इज यूज एज ए इनपुट, इन दिस कॉम्परेटर इज यूज एज इनपुट, इन दिस कॉम्परेटर इज यूज एज इनपुट टू कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एनालॉग वोल्टेज शुड कंपेयर इनपुट एनालॉग वोल्टेज, इनपुट एनालॉग वोल्टेज विद रेफरेंस वोल्टेज, विद रेफरेंस वोल्टेज जनरेटेड बाय डी टू ए, जनरेटेड बाय डी टू ए कन्वर्टर in feedback, question point number 3, if VA, if VA, if VA, if VA greater than VDAC, then output of comparator is logic 1, and clock is transfer to counter, and counter will increment, right? देख रहे हो, अगर VA greater than VDAC होगा तो उस केस में यहां लॉजिक वन आएगा, क्लॉक विल ट्रांसफर टू काउंटर एंड काउंटर विल इंक्रीमेंट, राइट। चलिए क्लियर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसमें कि इफ, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ VA लेस देन VDAC देन आउटपुट ऑफ कॉम्परेटर इज लॉजिक जीरो, आउटपुट ऑफ कॉम्परेटर इज लॉजिक जीरो, राइट, देन क्लॉक विल नॉट अप्लाई टू द काउंटर, नॉट अप्लाई टू द काउंटर, काउंटर एंड काउंटर विल स्टॉप, देख रहे हो ना, देख रहे हो बेटा, देखो यहां पर
जैसे यहां पे 7 वोल्ट आया, VA less than VDC आया, यहां पे क्या गया? 0। क्लॉक विल नॉट ट्रांसफर टू द काउंटर एंड काउंटर विल स्टॉप। जैसे काउंटर स्टॉप होगा तो जो भी यहां पे आउटपुट होगा, काउंटर का जो भी आउटपुट होगा वही इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा किस इस एनालॉग वोल्टेज का, इस एनालॉग वोल्टेज। क्लियर हो रहा अपना? श्योर क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, राइट, काउंटर विल स्टॉप एट दिस टाइम, काउंटर एट दिस टाइम, at this time counter will represent binary equivalent of analog output voltage, binary equivalent of analog input voltage। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, इन काउंटर टाइप एडीसी conversion time varies with analog input voltage यानी जैसे जैसे एनालॉग इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे कन्वर्जन टाइम वेरी करेगा। कन्वर्जन टाइम मतलब हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कन्वर्ट एनालॉग इनपुट वोल्टेज टू डिजिटल आउटपुट, कितना टाइम लगता है, तो वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। जैसे 6.6 वोल्ट है तो उस केस में कितने जो है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है देख लीजिए एक बार, देख रहे हैं ये 14 क्लॉक पल्स है ना, यहां देखो 0 1 2 एंड सो ऑन 14 क्लॉक पल्स, तो 14 इंटू टी क्लॉक की कन्वर्जन टाइम हो जाएगा 6.6 के लिए। जाहिर से बात है 6.6 से कम रखोगे तो टाइम कन्वर्जन टाइम कम होगा, ज्यादा रखोगे तो कन्वर्जन टाइम ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है मैक्सिमम क्या हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर एन बिट कन्वर्जन इज क्या होगा, टू द पावर एन माइनस वन। तो कन्वर्जन टाइम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम देख रहे हो ना, 4 बिट है तो 15 तक ही जा सकता है, n बिट की बात करेंगे तो 2n-1 ये क्लॉक पल्स हो जाएगा इनटू उसका पीरियड t क्लॉक हो जाएगा। ये सब याद रखिए बेटा, ठीक है। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये है, काउंटर टाइप इज आल्सो कॉल्ड एज रैंप टाइप एडीसी, राइट, ठीक है बेटा। अच्छा तो ये हो गया काउंटर टाइप एडीसी। नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, और जो भी नेक्स्ट मेथड है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, पैरेलल कंपैरेटर एडीसी, और फिर ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग ए टू डी कन्वर्टर वो भी देखेंगे, ठीक है। चले तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं मनीष वन, और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट जो भी क्लासेस चल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वहां पे फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जो हमारा गाइडेंस रहेगा थ्रू आउट जिस ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं
उस ड्यूरेशन में पूरा हमारा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।